का ये गुण है। हर कोई ये समझते थे कि कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, कृष्ण मेरे साइड ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं ही कृष्ण का बहुत प्रिय हूँ। गुरुमाज के अंदर भी है, हर व्यक्ति को लगता है गुरुमाज मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं या मेरे प्रति विशेष गुरुमाज का स्नेह है। तो इस तरह हर व्यक्ति को जब हम चांस देंगे, हर कोई गुरुमाज के गुरु, एक शुद्ध भक्त की महिमा होती है। जिस तरह सूर्य के बारे में कौन नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति सूर्य के बारे में बोल सकता, उसी प्रकार यद्यपि मैं ज्यादा कोई गुरुमाज के ज्यादा निकट में ज्यादा सत्संग नहीं रहा, ज्यादा सेवा नहीं किया, बहुत भक्त इधर मैं जैसे कमलापति प्रभु को देख रहा हूँ और भी बहुत भक्तों को देख रहा हूँ, मेरे जन्म के पहले से गुरुमाज की सेवा जो कर रहे हैं, तो मैं कोई ज्यादा गुरुमाज के करीब का व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो गुरुमाज जैसे व्यक्ति के बारे में हर कोई, बच्चा बड़ा, हर कोई बोल सकता है, ये गुरुमाज का एक विशेष गुण है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो उज्जैन मंदिर नया नया खुला था, 2006-2007 के टाइम में, तो हम लोग हमारे जो शहर से छुट्टी के टाइम में उज्जैन आते थे, दिसंबर में, समर के टाइम में, जून जुलाई में, छुट्टी के टाइम में 10 दिन 12 दिन इस तरह उज्जैन मंदिर में आते थे। और क्योंकि मंदिर बहुत नया था तो ज़्यादा बच्चे कॉन्ग्रीगेशन तो था नहीं, तो हम लोग जो बच्चे लोगों के प्रति गुरुमाज का ज्यादा स्नेह रहता था, तो गुरुमाज बुलाते थे नाम से, तो माला देते थे, बातचीत करते थे, प्रसाद देते थे। इवन गुरुमाज हमको बोले कि तुम लोगों को खेल कूद करना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। इस तरह गुरुमाज अलग अलग हम लोग को उत्साह देते थे, नंबर पूछते थे, रिपोर्ट कार्ड देखते थे, इस तरह अलग अलग तरह से गुरुमाज हमको प्रोत्साहन देते थे। तो उसी बीच में एक बार यहाँ पर एक भक्त थे, परशुराम प्रभु और श्यामंगी माता जी, तो वो लोग घर में हर संडे को प्रोग्राम करते थे। तो हम लोग तो आए थे हमारे गांव से और कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए उज्जैन में आए थे, तो गुरुमाज का संग कौन नहीं चाहता है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आज हमारे घर में आइए, हम दिखाना चाहते कैसे छोटा छोटा बच्चा भी भक्ति करते हैं। तो हमने बोला कि हम तो जा सकते हैं लेकिन गुरु महाराज वही टाइम में कीर्तन करेंगे मंदिर में, तो वो छोड़ने की इच्छा नहीं थी। तो हमको बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया माता जी ने, बोला आपको पता नहीं कि गुरु का सेपरेशन में ज्यादा अच्छा सेवा होता है। इस तरह समझाने के बाद हमको अपने साथ में उनके घर में लेके गए। तो ज्यादा तो फिलोसफी कुछ मालूम नहीं था, जितना टूटा फूटा कुछ लेक्चर दिया, हम लोग वापस आ गए, रात में आके सो गए। अगले दिन भागवतम क्लास में गुरु महाराज क्लास दे रहे थे और टॉपिक था ध्रुव महाराज। तो गुरु महाराज बोलते हैं, हाँ हमारे मंदिर में भी इस तरह कुछ बच्चे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन क्लास देते हैं, तो कौन है वो जो कल 2 बच्चे गए थे श्यामांगी के घर पे जिनने प्रवचन दिया था। तो हम लोग तो बहुत डर गए, तो भक्ति प्रेम महाराज ने गुरु महाराज के साथ इंट्रोड्यूस कराया और गुरु महाराज ने वो टाइम में जो नाम पूछा, सब कुछ पूछा, वो उसके बाद 6 महीने बाद गुरु महाराज के साथ दोबारा साक्षात्कार हुआ, जो गुरु महाराज पूरा विश्व का भ्रमण करके आ गए थे। फिर 6 महीने बाद आके नाम से बुलाते हैं, नाम से बुलाने के बाद बोलते, क्या तुम अभी भी प्रवचन दे रहे हो? अरे इतना आश्चर्य लगा है, गुरु महाराज किस तरह इतना स्मरण रख पाते हैं, कितना एनकरेज करते हैं। तो वहां से थोड़ा थोड़ा गुरु महाराज के प्रति ज्यादा अटैचमेंट हुआ, गुरु महाराज के प्रति निकट जाने का थोड़ा मौका मिला। और 2011 में, 2011-12 में गुरु महाराज ने एक ग्लोबल रिट्रीट शुरू की थी उज्जैन में। तो वो टाइम में पूरे दुनिया से भक्त लोग आते थे और गुरु महाराज का सेमिनार 7-8 दिन इस तरह चलता था। तो वो टाइम में हम लोग भी आए थे, हमारा भी कुछ सेवा था। तो गुरु महाराज का जो किचन है मायापुर में, तो आप लोग किचन देखा है, गुरु महाराज का किचन एकदम वहीं पर है रूम के पास। उज्जैन में इस तरह नहीं, गुरु महाराज का किचन छत के ऊपर है, तो कुछ भी सामान लेके आना है छत से दौड़ करके नीचे लेके आना है, गुरु महाराज को सर्विंग करना है। तो उस टाइम गंगा नारायण प्रभु जो अभी भक्ति प्रेम महाराज, उन्होंने बोला बच्चे लोग को सेवा दे दो। तो हम लोग उधर से किचन से कोई भी चपाती है या कोई भी सामान है, भाग के
गुरुमाच के रूम में गरम गरम लेके आना, ये हमारा सेवा था। तो एक दिन इसी तरह प्रसाद लेके आए गुरुमाच के रूम में, और भक्ति प्रेम महाराज उधर थे, सीतानाथ उधर गुरुमाच को सेवा कर रहे थे। और गुरुमाच पूछते, क्या तुम सेवा करना चाहते हो? तो पहली बार गुरुमाच के रूम के अंदर गया था तो मैं बहुत डर गया। तो गुरुमाच बोलते, मुझे मुझे प्रसाद सर्विस करो। तो मैं जब आगे गया तो मेरा हाथ कांप रहा था, चम्मच कांप रही थी, मेरा शरीर कांप रहा था, पूरा शरीर में रोमांच कंपा सब कुछ हो रहा है। तो गुरुमाच समझ गए कि ये तो बहुत डर रहा है। तो गुरुमाच बोले कि इस तरह सर, गुरुमाच खुद हाथ पकड़ के, इस तरह उठाओ, इस तरह मुझे सर्विस करो, ऐसे करके गुरुमाच सिखाने लगे। और जिस तरह हम वैष्णव गान में सुनते हैं, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार, तो उसी तरह हमको अनुभव हो रहा था कि देखो हम गुरुमाच को सर्विस करना भी नहीं जानते, गुरुमाच हाथ पकड़ के सिखा रहे कैसे मुझे सर्विस करो। इस तरह शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा करके। फिर पढ़ाई पूरे होने के बाद गुरुमाच ने आशीर्वाद किया, गुरुमाच बोले ठीक है अभी मंदिर में आके सेवा करो। तो गुरुमाच के साथ उस तरह ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला। तो पहली बार जब गुरुमाच के साथ मैं जा रहा था तो साउथ अफ्रीका का फ्लाइट था, तो बहुत लंबा जर्नी था, ऑलमोस्ट 18-19 घंटे की फ्लाइट थी। तो गुरुमाच ने बोला हम जर्नी के लिए कुछ प्रसाद लेके जाएंगे, रास्ते के लिए कुछ प्रसाद लेके जाएंगे। तो जिस तरह हम करते हैं, गुरुमाच के लिए एक पैकेट पैक किया और मेरे लिए एक पैकेट पैक किया। तो मैं गुरुमाच के पास गया कि गुरुमाच हम लोग तो अलग अलग बैठेंगे, वो दूर है, आपको अलग केबिन में, मैं अलग केबिन में, तो ये प्रसाद कैसे रखना है? तो गुरुमाच बोलते दोनों डब्बा मेरे बैग में रख दो। तो मुझे टेंशन हो गया, अरे अभी गुरुमाच को मांग के खाना पड़ेगा तो बहुत डर लगेगा। तो गुरुमाच के बैग में दोनों डब्बा रख दिया। अभी फ्लाइट चालू हो गया, 2-4 घंटा निकल भी गया, और एरोप्लेन में वो लोग खाना सर्व करते हैं, तो सब लोग को खाना सर्व कर दिया। तो हम तो प्रसाद के लिए वेट कर रहे हैं, तो देख रहे सब लोग खा रहे हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं कुछ नहीं, और गुरुमाच के पास जाके कैसे मांगेंगे, गुरुमाच हमारा डब्बा दे दो, तो वो तो संभव नहीं है। तो मैं बैठ के इंतजार कर रहा था क्या होगा देखते हैं। थोड़ा देर बाद वो फर्स्ट क्लास केबिन से एक एयर होस्टेस एक लंबा सा ट्रे लेके, बहुत सुंदर उसमें प्लेट में सब प्रसाद जमा हुआ है गरम गरम लेके आ रही है इस तरह, और सब लोग देख रहे हैं कौन विशेष आदमी है इस केबिन में जिसके लिए ये VIP ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उस तरह जब वो आए पास में, आने के बाद बोला आपका नाम ये है? उनका हाँ। बोले आपके पिताजी ने आपके लिए ये कुछ प्रसाद भेजा गरम करके। तो मैं बाद में प्रसाद लेने के बाद फ्लाइट के बाद गुरुमाच पूछे कि वो प्रसाद ठीक था? बोला हाँ गुरुमाच प्रसाद बहुत अच्छा था। बोले मैंने दोनों डब्बा इसलिए मेरे पास रखा था क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ पर प्लेन में गर्म करने का फैसिलिटी, प्रसाद गर्म करके तुमको देना चाहता था। तो मैं सोच रहा था कि मैं गुरुमाच की सेवा के लिए आया हूँ कि गुरुमाच मेरी सेवा कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गुरुमाच की सेवा कर रहा हूँ कि गुरुमाच मेरी सेवा कर रहा है। तो उस तरह मैं पहला एक्सपीरियंस गुरुमाच के साथ हुआ कि गुरुमाच हमेशा ही जानते हैं कैसे हमको उत्साह देना है, कैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ाना है, और गुरुमाच हमारा माइंड जानते हैं कैसे हमारा माइंड चल रहा है, उस हिसाब से हमारे साथ डीलिंग कर। जैसे एक सीनियर भक्त एक बार शेयर कर रहे थे, उनके मन में 3 शंका थी गुरुमाच को लेके। बोले मेरे मन में 3 शंका है, इस तरह उनके मन में चल रहा था बहुत टाइम से। तो वो जब कर रहे थे मायापुर मंदिर में, और जब करते करते सोच रहे थे 3 डाउट। पहला डाउट था कि गुरुमाच इतने साल से मैं उनको सेवा कर रहा हूँ, मैंने मस्तक मुंडन नहीं किया, मेरे सिर पे बाल है, गुरुमाच ने कभी मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? गुरुमाच तो वैष्णव एटिकेट बहुत पसंद करते हैं, मेरे सिर पे बाल है, मैं मस्तक मुंडन नहीं किया, इतने साल मायापुर में सेवा कर रहा हूँ, तो गुरुमाच ने मुझे कभी ये बारे में बोला क्यों नहीं? तो ये पहला डाउट उनका। सेकेंड डाउट उनका, बोले गुरुमाच जो सन्यासी है, मैं सब सन्यासी को देखता हूँ, डंडा लेके जाते हैं, त्रिदंड धारण करते हैं, तो गुरुमाच को कभी त्रिदंड के साथ देखा नहीं, ऐसा क्यों? इस तरह उनका सेकेंड डाउट। और थर्ड डाउट उनका हुआ
कि गुरुमा से कोई बाहर का आदमी मिलने के लिए आते हैं, गुरुमा इतना प्रेम से उनके साथ बात करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, सब कुछ देते हैं, और मैं और मेरा पत्नी इतने साल मायापुर, गुरुमा ने कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया। इस तरह उनका 3 डाउट था। तो ये डाउट को लेके वो जब कर रहे थे, जब पूरा हो गया दर्शनार्थी प्रभुपाद गुरु पूजा करने के बाद, वो राधा माधव मंदिर से बाहर निकले और देखा गुरु महाराज अपना बिल्डिंग, जो कॉन्च बिल्डिंग है मायापुर में, उससे गुरु महाराज उतर रहे हैं नीचे और हाथ में त्रिदंड है। उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के हाथ में त्रिदंड देखा, पहला डाउट क्लियर। फिर गुरु महाराज पास में आए और वो डंडा से ही उनके सिर पे टच किया और बोला, तुम्हारा बाल इतना बड़ा क्यों, तुम मस्तक मुंडन क्यों नहीं करते हो? तो बोला, अरे भगवान, ये तो सेकंड डाउट भी क्लियर हो गया। और गुरु महाराज बोलते हैं, अच्छा आज शाम को तुम और तुम्हारा जो पत्नी है वो दोनों मेरे रूम में आना, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो ये भगवान, ये क्या चमत्कार हो रहा है। ठीक है, शाम को वो दोनों गए और गुरु महाराज ने अपना ड्रॉर में से सुंदर एक राधा रानी का नेकलेस निकाल के दिया। बोले, जननिवास पुणे मुझे ये नेकलेस दिया, ये राधा रानी का महाप्रसाद नेकलेस है, तुम लोग इतने साल से मायापुर सेवा कर रहे हो तो मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो इस तरह गुरु महाराज कैसे हमारे हृदय की बात समझते हैं, कैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का हमेशा ही चेष्टा करते रहते हैं। हमको, हर व्यक्ति को इस तरह एक्सपीरियंस होगा। मेरे पास, मैं भी जब अमेरिका में गुरु महाराज को सेवा कर रहा था, तो हमारे इंडिया में तो बहुत भक्त तैयार रहते हैं गुरु महाराज सेवा करने के लिए। जो जैसे मायापुर में 4 भक्त कुकिंग के लिए, 2 भक्त सर्विस के लिए, 2 भक्त कपड़ा धोने के लिए, 1 भक्त आयनिंग करने के लिए, मतलब पूरा एक कॉलोनी उधर बन जाता है, इतना भक्त रहते हैं। लेकिन अमेरिका उस तरह उतना भक्त नहीं है, हमेशा कोई मंदिर में 4 भक्त, कोई मंदिर 10 भक्त, इस तरह कम मंदिर कम भक्त है, तो उतना हेल्प नहीं मिल पाती। तो मैं बहुत परेशान हो रहा था, अकेला सेवा कर रहा था। तो एक दिन की बात है, मेरा मन बहुत खराब हो रहा था, तो सुबह का टाइम था, मैं सफाई कर रहा था प्रेशर वॉशर से, पानी डाल के फ्लोर साफ कर रहा था। और मैं सोच रहा था, देखो अभी 2 घंटा जाएगा ये सफाई करने, उसके बाद गुरु महाराज के ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, ब्रेकफास्ट देने के बाद गुरु महाराज क्लास देंगे, क्लास के बाद गुरु महाराज बाहर जाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट होगा, मेरा जब कब करूंगा मैं, ये तो सुबह से शुरू हो गया, अभी जब का टाइम कहाँ मिलेगा। तो मैं इस तरह सोच ही रहा था कि गुरु महाराज पीछे से आए, गुरु महाराज बोले, तुम्हारा जप मिला, गुरु महाराज जप नहीं, बोले सेवा बाद में करना, जप अभी कर। जैसे ही मैंने सोचा वैसे ही, उसके बाद 1-2 घंटा बाद गुरु महाराज ने प्रसाद ले लिया, सब कर लिया, तो किचन में सफाई कर रहे थे, तो पूरा प्लेटफॉर्म साफ किया, बर्तन सफाई किया, बर्तन सफाई करने के बाद कपड़ा से पोंछ के बर्तन जमा रहा था। तो मैं बर्तन सफाई पोंछते पोंछते सोच रहा था, कह रहे इंडिया होता था तो इतने भक्त हेल्प करते थे, यहाँ तो कोई हेल्प के लिए पूछता भी नहीं है, इस तरह मन में चल रहा था। वही टाइम में गुरु महाराज किचन में आए, बोले तुमको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं तुमको हेल्प करूंगा, और एक और कपड़ा लेके बर्तन पोछने लगे। मैं गुरु महाराज बोलते, गुरु महाराज नहीं मैं कर लूंगा, बोले नहीं, तुम ये आधा तुम करो आधा मैं करूं। तो उस तरह गुरु महाराज ने शुरू कर दिया। उसके बाद दोपहर में कुछ भक्त आए थे, वो गुरु महाराज के छत में पेंटिंग कर रहे थे, वो पेंटिंग करते 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 वो गुरु महाराज का गाड़ी था, ब्लैक कलर का गाड़ी खड़ा था, उसके ऊपर में व्हाइट पेंट गिरा दिया। और जब व्हाइट पेंट गिरा दिया पूरा गाड़ी में, अब गुरु महाराज के डर से सब सफाई कर रहे हैं लेकिन पेंट निकल ही नहीं रहा है, घिस रहा है उसको बार 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 बार, 2 घंटा 3 घंटा हो गया वो पेंट निकल ही नहीं रहा है। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज ने बोला तुम भी लग जाओ, मुझे भी बोला तुम भी शुरू हो जाओ, मैं भी घिसना शुरू किया। तो थका तो था ही, तो मैं सोच रहा था, देखो भाई हमारा इंडिया सबसे अच्छा है, वहां होता था हम गाड़ी को शोरूम में ले जाते थे, वो लोग साफ कर देते थे, यहाँ हमको कितना कष्ट करना पड़ रहा है। तो गुरु महाराज फिर पलट के वापस आए, बोले कृष्ण किशोर अभी तुमको सेवा करना पड़ रहा है, भारत जाके तुमको इस तरह नहीं करना पड़ेगा, चिंता मत कर। तो मैं फिर आश्चर्यचकित हो गया, और अभी तो मन में सोचना अभी बहुत डिफिकल्ट है कि गुरु महाराज के सामने मन में भी नहीं सोच सकते कुछ, कि गुरु महाराज तुरंत पकड़ लेंगे। इस तरह गुरु महाराज शिष्यों का हार्ट जानते हैं, कैसे उनको इंस्पायर करना है, कैसे उनको सपोर्ट करना है, और उतना ही गुरु महाराज लीडर की तरह आगे हेल्प भी करते थे। जब गाड़ी के ऊपर पेंट गिरा तो गुरु महाराज खुद ने स्क्रबर लेके साफ करके बताया, इस तरह साफ करना है,
जब हम लोग डीलैंड में नए नए शिफ्ट हुए थे उधर ऑलमोस्ट -3 -4 डिग्री इस तरह टेम्परेचर था, और जो लेक था उधर बर्फ, पूरा लेक में बर्फ जम गया था, छत के ऊपर बर्फ जम गया था, तो बहुत ठंडी थी। और कोई गीजर नहीं था, कोई गर्म पानी नहीं था, वो भी हम लोग जस्ट शिफ्ट हुए थे वो जगह में, व्यवस्था करने में जमाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन गुरु महाराज हमारे साथ में ही वहाँ पर रहते थे, और जिस तरह हम लोग खाते थे वही गुरु महाराज खाते थे, जिस तरह हम ठंडा पानी से नहाते थे गुरु महाराज ठंडा पानी से नहाते थे। तो उस तरह एक आदर्श लीडर की तरह गुरु महाराज ने हर सिचुएशन में हेल्प किया। और जब भी कुछ भी, जैसे नया मशीन आया, पेड़ काटने के लिए नया मशीन आया, तो गुरु महाराज उसका मैनुअल जो है स्टडी करते थे और फिर खुद सिखाते थे, ये मशीन को ऐसे शुरू करना है, ऐसे काटना है, इस तरह सावधानी से काटोगे पेड़ उस साइड गिरेगा, ऐसे काटोगे तुम्हारे सिर पे गिरेगा, इस तरह गुरु महाराज पूरा गाइडेंस देते थे हर चीज के, कैसे कौन सा मशीन यूज करना क्या करना है। और गुरु महाराज ने बोला आप सब ड्राइविंग सीखो, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अमेरिका में एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस इंटरव्यू होगा, बहुत कुछ होगा। तो गुरु महाराज खुद वो बुकलेट स्टडी करके सबको क्लास देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस का क्लास, कि ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह पढ़ना है, इस तरह करना। तो एक आदर्श लीडर किस तरह होता है, गुरु महाराज हमारे हर हर अपने एग्जाम्पल से वो सिखाते हैं। जैसे एक दिन बलाई प्रभु बता रहे थे कि कैसे अभय चरण के शूटिंग के टाइम गुरु महाराज खुद सफाई करने के लिए चले गए गंगा घाट पर, वो देख के सब भक्त लोग फिर उत्साहित हो गए, हाँ अगर गुरु महाराज सफाई कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ये गुरु महाराज का एक विशेष गुण है कि गुरु महाराज एक परफेक्ट लीडर की तरह हमारे हार्ट को समझते हुए और गुरु महाराज हमको इंस्पायर करते भक्ति में। और गुरु महाराज का पर्सनल शेड्यूल हमारा कल्पना भी नहीं कर पाएंगे गुरु महाराज कैसे मैनेज करते हैं। गुरु महाराज पूरा दिन हमारे साथ में सेवा करते थे, इंस्पायर करते थे, क्लास देते थे, फिर रात में अपना जीबीसी का ड्यूटी, जीबीसी कॉन्फ्रेंस कॉल, मंगला आरती से पहले 16 माला जप, इतना कुछ गुरु महाराज करते थे कि हमको देखने के लिए शर्म आता था कि गुरु महाराज 75 ईयर्स के एज में इतना कर पा रहे हैं और हम जो 25-30 साल की उम्र में उतना गुरु महाराज साथ मैच नहीं कर पा रहे। तो ये गुरु महाराज का एक आध्यात्मिक बल है जो गुरु महाराज एकदम दृढ़ता से अपना खुद का डिवोशनल सर्विस और हमारे लिए एग्जाम्पल दोनों ही हमेशा सेट करते थे। और गुरु महाराज हमेशा ऐसा प्रयास करते थे सबको एक साथ बांध कर रखे। एक बार एक सेवा चल रही थी डीलैंड में, तो किसी कारणवश हमसे कोई मिस्टेक हो गई, तो वो बहुत सारा हमने कुछ पेड़ काट दिया, तो पेड़ काट दिया तो गवर्नमेंट से बोला आपको इनको सफाई करना पड़ेगा। तो पूरा दिन भक्त लोग ड्यूटी लगा करके सुबह 6 बजे से वो पेड़ को छोटा छोटा काट के और सफाई करते थे। और गुरु महाराज स्वयं सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक पूरा टाइम उधर खड़ा होके निर्देशन देते। तो एक दिन क्या हुआ, ये गुरु महाराज के रूम में कुछ काम करना था, तो मैं गुरु महाराज के रूम में आया, वो मच्छरदानी फिट करने के लिए ड्रिलिंग करना था, गेट में ड्रिलिंग करना था, बहुत कुछ इस तरह काम करना था। तो मैं गुरु महाराज के रूम में काम कर रहा था, तो शाम को गुरु महाराज रूम में आए और एकदम सीरियस मूड में गुरु महाराज पूछते तुम कहाँ थे। तो मैं बोला गुरु महाराज मैं आपके रूम में ये कर रहा था। गुरु महाराज बहुत नाराज हुए, बोले तुमको यदि सेवा नहीं करना है तुम इंडिया वापस चले जाओ। इतना जोर से मेरे ऊपर लगा कि मैं मतलब पूरी तरीके से डर गया, मेरे मुख से शब्द नहीं निकल पा रहा था। और गुरु महाराज ये बोल के बाथरूम में चले गए, मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं बाहर निकला, मंदिर में जाके बैठ गया। अब गुरु महाराज प्रसाद लेने के लिए बैठे, तो प्रसाद लेने के टाइम पे गुरु महाराज चैतन्य चरितामृत तो पाठ सुनते हैं हमेशा। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्ण किशोर कहाँ है, उनको चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना क्या। तो सब भक्त ढूंढ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मिल नहीं रहा हूँ। फाइनली मंदिर से इंद्रिश को पकड़ के लेके आए, बोले गुरु महाराज बुला रहे हैं। मेरी तो हालत एकदम पंचर, कैसे गुरु महाराज के सामने जाएंगे। तो मैं गया, जाके बैठा, प्रणाम किया। गुरु महाराज बोलते चैतन्य चरितामृत पढ़ो। मैं हाथ में लेके बोले चय 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 चैतन चय, इस तरह कर रहा हूँ। गुरु महाराज समझ गए इनकी हालत खराब है। गुरु महाराज बोलते ठीक है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, जाओ। तो मैं चला गया।
फिर रात में गुरुमा 2 बजे बेल बजाए, बेल बजा के मैं सुना, मेरे साथ एक और डिवोटी था, उनको उठा रहा था मैं। मैंने कहा देखो मुझे आज बहुत महाप्रसाद मिल गया, अभी आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इतना डर गया था कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले नहीं आपके लिए ये बेल, रात में 2 बजे बुलाया, आपको ही बुलाया। तो मैं गया अंदर, बहुत हिम्मत करके, बहुत साहस करके गुरुमाज सामने जाके प्रणाम किया। तो गुरुमाज बोलते देखो मेरे सामने जब कोई रहता है तो स्वाभाविक उनके ऊपर ही मैं अपना गुस्सा निकालूंगा, मैं किसके दूसरे को फोन करके थोड़ी ना उनके ऊपर गुस्सा निकालूंगा। तो तुम क्यों मेरे सामने हो, तो जितना मेरा गुस्सा है तो तुम्हारे ऊपर मैं नेचुरली निकाल दे, ये तुम्हारा एक सेवा है। बोले दिस इज योर सर्विस टू टॉलरेट चेस्टाइजमेंट, बिकॉज आई विल नॉट फोन समबडी एल्स टू चेस्टाइज यू। तो बोले ये तुम्हारा एक सेवा है कि यदि मेरा मूड खराब होगा तो मैं तुमको डांटूंगा तो तुमको सहन करना है। तो मैं बोला गुरुमाज वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये कष्ट लगता है कि मैं आपको ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। बोले नहीं, इस तरह प्रभुपाद भी मेरे साथ करते थे, प्रभुपाद मुझे डांटते थे तो मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे लग रहा है तुम माइंड नहीं करोगे। तो उस तरह गुरुमाज कभी डांटते भी थे तो इतना प्रेम से बाद में बुलाते थे, इतना प्रेम से बात करते थे कि हमको और ज्यादा गुरुमाज की सेवा करने का उत्साह मिले, और ज्यादा गुरुमाज के पास रहने का ज्यादा इच्छा। एक बार ऐसे उज्जैन में, अभी जो गुरुमाज मुंबई अमेरिका जाने के पहले, गुरुमाज उज्जैन में 2-2.5 महीने थे, तो ज्यादा लंबा टाइम में बहुत भक्त परेशान हो जाते ज्यादा सेवा से, क्योंकि गुरुमाज के साथ गुरुमाज का आध्यात्मिक लेवल मैच करना, गुरुमाज का शेड्यूल मैच करना, ये तो स्वाभाविक चीज नहीं है। तो गुरुमाज को सेवा करते करते 2 महीना इस तरह हो गया, तो कोई भक्त ने जाके गुरुमाज को बोल दिया कि गुरु महाराज ऐसा लग रहा है कृष्ण किशोर बहुत थक गया है, उनको थोड़ा दिन रेस्ट का जरूरत है, तो हम एक काम करते कोई और को असिस्टेंट आपका बना देते। तो गुरुमाज बोले अच्छा, वो तो मुझे कहीं बोला नहीं इस तरह, तो ठीक है तुम बोल रहे हो। तो वो गुरुमाज एक और व्यक्ति को गुरुमाज सेवा में लगा दिए। तो जब वो व्यक्ति आ गए तो मैं सोचा शायद गुरुमाज की इच्छा है उनका सेवा लेने के लिए, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैं कभी भी गुरुमा जितना दिन रहते थे मंगला आरती तभी जाता थे, गुरुमा जाते थे, बाकी नहीं तो गुरुमा को कब क्या लगेगा, गुरुमा के रूम के पास में ही रहता था। तो वो दिन मैं सोचा अभी तो दूसरा सेक्रेटरी आ गया तो मैं चला जाता हूँ, तो मैं उस दिन मंगला आरती चला गया, मंगला आरती किया, तुलसी आरती सब कुछ करके वैष्णव प्रणाम के बाद ऊपर आया तो गुरुमा बाहर ही जप कर रहे थे। गुरुमा बोले कहाँ गए थे? गुरुमाज मंगला आरती गया था। गुरुमाज बोले तुम क्या रिटायरमेंट ले रहे हो? मेरे गुरुमाज मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मुझे लगा कि ये भक्त अभी सेवा करेंगे। तो गुरुमाज बोले आओ तुमको एक बात बताता। तो गुरुमाज ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे, गुरुमाज बोले देखो प्रभुपाद को सेवा करने का मौका 3 लोगों को हमको मिला, गुरु महाराज, उपेंद्र प्रभु, तमाल कृष्ण महाराज। और बोले ये मौका मैं अभी तक कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि अरे हम शांति से भजन करेंगे, मंगला आरती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन गुरुमाज खुद बोल रहे हैं चीज। गुरुमाज बोले कि मैं सोचता था इस तरह शांति में अगर हम भजन करेंगे तो वो भक्ति है। तो एक दिन मैं जब प्रभुपाद को सेवा कर रहा था तो मैं योगपीठ में जप करने के लिए चला गया, और उस दिन प्रभुपाद मुझे ढूंढ रहे थे कहाँ है। तो प्रभुपाद ने बाद में मैं जब आया पूछा तुम कहाँ गए थे, तो मैंने बोला कि मैं योगपीठ में जप करने के लिए गया था। तो प्रभुपाद बहुत नाराज हो गए, बोले क्यों गए थे? तो गुरुमाज बोले प्रभुपाद वहां पर ना बहुत शांति मिलता है, जप करने में बहुत शांति मिलता है। तो प्रभुपाद बोले तुम क्या कृष्ण भावना में तुम्हें शांति के लिए आए हो कि भक्ति के लिए आए हो, तुमको शांति चाहिए कि भक्ति चाहिए? तो जब गुरुमाज ने इस तरह बोला मुझे मेरा सिग्नल मिल गया, बोले गुरुमाज और कहीं नहीं जाऊंगा, आपके सेवा में ही हमेशा रहूंगा। तो उस तरह गुरुमाज हमेशा ही कॉन्फिडेंस देते थे, हेल्प करते हमेशा ही, और जिस तरह एक पिता का पुत्र के लिए स्नेह रहता है हमेशा, हम सभी के लिए गुरुमाज को उस तरह स्नेह रहता है। मेरे घर से बहुत दिक्कत आ रही थी बीच में, घर से इस तरह रिक्वेस्ट आई कि मुझे तुरंत घर आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, और बोले कि अभी वापस जाने नहीं देंगे तुम, ऐसा बोला। तो मैं बोल रहा था अभी तो गुरुमाज इधर में है, जब गुरुमाज
जब तक गुरु महाराज हैं मैं गुरु महाराज का सेवा करूंगा, उसके बाद घर आऊंगा, ऐसा मैं उनको बोला। तो वो बोले नहीं नहीं आपको तुरंत घर आना है, और मेरे घर से एक कार भेज दिया मंदिर के सामने खड़ा हो गया, और उसमें एक दो मेरे रिलेटिव थे सुबह से खड़े थे। तो मैं दोपहर में जाके गुरु महाराज के पास जब प्रणाम किया, गुरु महाराज बोले वो बाहर कार बहुत देर से खड़ा है, वो किसका गाड़ी है? बोले गुरु महाराज वो मेरे मम्मी पापा ने भेजा मुझे घर ले जाने के लिए, वो सुबह से खड़ा है। तो गुरु महाराज बोले जब उन्होंने भेजा तो तुमको घर जाना चाहिए। तो मैं बोला गुरु महाराज आप इधर में हैं जो बाद में मैं जाऊंगा? गुरु बोले नहीं उनका इतना इच्छा है तो तुम जाओ, लेकिन बहुत स्ट्रांग रहना, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये और कोई ऑप्शन हमारी लाइफ में है। प्रभुपाद ने मुझे बोला था ये जीवन कृष्ण को दे दो, तो मैं भी तुमको बोल रहा हूँ ये जीवन कृष्ण को दे दो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ। और यदि 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर वो नहीं आने देंगे तो मैं मेरा गाड़ी भेज दूंगा, उसमें तुमको बैठ के मैं बुला लूंगा। तो ऐसा गुरु महाराज ने कॉन्फिडेंस दिया। और फिर गुरु महाराज बोले देखो तुम जो मेरा सेवा कर रहे हो सकता है मेरे अंदर तुमने बहुत दोष देखे, हो सकता है मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको एक चीज बोल सकता हूँ कि प्रभुपाद पूरी तरीके से शुद्ध भक्त है, और यदि हम ठीक से सेवा करेंगे तो हम प्रभुपाद को एक दिन जरूर देखेंगे। हम बोले गुरु महाराज हम वी सी प्रभुपाद थ्रू यू, हम प्रभुपाद को देखते हैं आपके माध्यम से। तो गुरु बोलते नहीं नहीं लेकिन फिर भी अगर तुम ठीक से सेवा करोगे तो मैं तुमको प्रभुपाद के पास लेके जाऊंगा। तो इतना शक्ति दे के भेजा कि घर में जाने के बाद एक एक परसेंट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई भी कारण से नहीं आ पाऊंगा। ठीक 7-8 दिन बाद वापस आ गया, और फिर गुरु महाराज बॉम्बे गए, गुरु महाराज साथ बॉम्बे भी गया। गुरु महाराज रास्ते में बहुत अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। गुरु महाराज बोल रहे थे कि तुमको मालूम है कि मैंने क्यों उज्जैन में जल्दी जल्दी करके घास लगाई, जल्दी जल्दी करके मोगरा मोगरा का प्लांट सबसे लगवाया, क्यों करा ऐसा? गुरु महाराज मैं तो जानता नहीं। गुरु महाराज बोले क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं चला जाता हूँ तुम लोग सब ढीले हो जाते हो, तो तुमको मुझे पुश करना पड़ता है हर चीज के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे सामने सामने तुम लोग ये सब काम कंप्लीट करो। और फिर गुरु महाराज बोल रहे थे एक भक्त की कंप्लेन आई, तो गुरु महाराज ने बोला वो किन का डिसाइपल है? तो गुरु जी का नाम बताया। तो गुरु महाराज बोले देखो इसी तरह यदि तुम कोई गड़बड़ करोगे तो लोग पूछेंगे किसका डिसाइपल है, तो तुम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम जो भी काम करोगे जैसा व्यवहार करोगे लोग बोलेंगे हाँ भक्ति चरण महाराज का ट्रेनिंग इस तरह है। तो गुरु महाराज इस तरह बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन रास्ते में दे रहे थे। हमको मालूम नहीं था ये किस तरह गुरु महाराज अमेरिका जा रहे हैं, ये जर्नी किस तरह होगा, लेकिन वो टाइम को अभी जब याद करते हैं तो समझ में आता है गुरु महाराज हमको प्रिपेयर कर रहे थे कैसे हमको गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है। ऐसे ही बॉम्बे में जो गुरु महाराज की संन्यास एनिवर्सरी हुई 5 तारीख को, 5 जून को गुरु महाराज की उसी रात में फ्लाइट थी, तो गुरु महाराज उस दिन अपने आप ही रूम में आकर के खड़े हो गए, और हमारे रूम से एक बिल्डिंग दिख रही थी सामने। तो गुरु महाराज उस बिल्डिंग को देखते हुए बोलते हैं कि ये बिल्डिंग में अभय चरण का स्टूडियो था, और यहाँ पर मैंने बहुत लक्ष्मी खर्च किया, बहुत भक्तों को सेवा दी प्रभुपाद के लिए अभय चरण बनाने के लिए, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति आए जिन्होंने चीटिंग की, जिन्होंने मेरा लॉस किया, जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा में बाधा लाई, लेकिन मुझे उस बात का 1% भी दुख नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने मुझे आप जैसे बहुत सारे भक्त भेजे। वो तो भक्ति प्रेम महाराज उधर थे, अभय चरण टू थे, बोले आप जैसे बहुत सारे भक्त मेरे पास भेजे हैं जिनके कारण मैं प्रभुपाद को बहुत सेवा कर पाया, तो मैं इसके लिए कृष्ण को प्रभुपाद को बहुत कृतज्ञ हूँ। एक्चुअली गुरु महाराज इस तरह बात बहुत कम करते थे, लेकिन ये लास्ट बात हमारे साथ गुरु महाराज ने उधर की है। बोले मैं जितना सेवा प्रभुपाद को कर पाया मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना संतोष के साथ गुरु महाराज वो चीज बोल रहे थे कि इस तरह लग रहा था कि प्रभुपाद ने जितना सेवा गुरु महाराज को दिया गुरु महाराज ने पूरी पूर्ण कर दिया, इस तरह हमको फीलिंग आ रही थी। फिर गुरु महाराज उधर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद भी गुरु महाराज को थोड़ा फीवर था। गुरु महाराज बोल रहे थे फोन पे मैं भक्तों के साथ जप करना चाहता हूँ, मैं भक्तों को उद्धव गीता दोबारा से क्लास देना चाहता हूँ, इस तरह डेली बोलते थे। तो हम लोग बोलते गुरु महाराज अभी आपको थोड़ा फीवर है, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप
क्लास दे सकते, क्या क्लास का मन में रहते, गुरु महाराज को नींद भी नहीं आती, थके होते तो भी टाइम निकाल के क्लास देते, फिर इंडिया अमेरिका का टाइम मैच करना है, तो गुरु माई बोला गुरु माई आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे उसके बाद आप क्लास दीजिए। तो गुरु माई ने लास्ट टाइम बोला हॉस्पिटल जाने के 2 घंटा पहले फोन करके बोला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो भक्त लोग को बोलना 2 दिन बाद मैं क्लास दूंगा, ये हॉस्पिटल से तो क्लास नहीं दे पाऊंगा, 2 दिन बाद भक्तों को बोलना मैं क्लास दूंगा। तो उस तरह लास्ट बात गुरु माई ने किया। गुरु माई खुद के साथ बृहद भागवतामृत और भगवत गीता, बंगाली भगवत गीता जो गुरु महाराज खुद ने, प्रभुपाद का पहला निर्देश जो गुरु महाराज को था कि बंगाली में भगवत गीता का ट्रांसलेशन कीजिए, वो बंगाली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद, प्रभुपाद का चैंटिंग टेप, ये सारा चीज गुरु महाराज खुद ही लेके हॉस्पिटल में साथ में गए। और जब इस तरह सब रिपोर्ट चल रहा था, लास्ट में इस तरह खबर आया, डॉक्टर बोला कि अभी हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी बचा नहीं है, गुरु माँ जी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुख में थे। तो सीनियर जीबीसी मेंबर सन्यासी उन लोगों को अप्रोच किया, उनको पूछा हमको क्या करना चाहिए ये टाइम में, हमारे गुरु महाराज हॉस्पिटल में है इस तरह डॉक्टर बोल रहा है हमको क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो बोले कि गुरु महाराज को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको गुरु महाराज की ज़रूरत है, आप जितना जो जप कर रहे हैं क्या गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, बोले गुरु महाराज अपने माध्यम से आपको जप करा रहे हैं। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए तो चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने सब बंगाल में भारतवर्ष में हर व्यक्ति को जप करा दिया। तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतना गुणगान किया, आप चिंता करके देखिए आपके गुरु महाराज ने पूरे दुनिया को एक साथ बांध दिया, पूरे दुनिया हर मंदिर हर सन्यासी किसी का भी शिष्य हो, लाखों लाखों भक्त सब मिलके, गौड़ीय मठ का मंदिर है, रामकृष्ण मठ, इस्कॉन बेंगलोर मंदिर, इस्कॉन का जितना जीवीसी है, सब लोग मिलकर के बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, तिरुपति मंदिर, ऐसा कोई जगह नहीं कि गुरु महाराज के उद्देश्य से जहाँ जप यज्ञ कीर्तन प्रार्थना नहीं हो रही है। तो आपके गुरु महाराज ने क्या ये एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। ऐसे वैष्णव को हमारा जरूरत नहीं है, हमको ये दुखी होना चाहिए कि हम उनके अभी संग में नहीं रह पाएंगे, ये हमारा हमको उनका जरूरत है। और बोले जब कोई वैष्णव जी त्रिदंड संन्यास ले लेते हैं तो उनके लिए कोई भी क्रिया नहीं बचती है, उनके संन्यास के साथ उनका अंत्येष्टि भी हो जाता है, तो उनके लिए कोई क्रिया नहीं बचती है, कि कृष्ण उनका पूरा दायित्व तो लेते हैं। तो जब उन्होंने इतना हमको कॉन्फिडेंस दिया, हम सोच पाए वास्तव में हम कितने छोटे व्यक्ति हैं, जो हम सोच रहे हैं वो गुरु महाराज के पास में कोई नहीं है, गुरु महाराज कोई गंगा जल देना चाहिए, तुलसी देना चाहिए, कि हमारा गंगा जल तुलसी कृष्ण जो गुरु महाराज के हृदय में बैठे हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली है, कि गुरु महाराज कृष्ण से ज्यादा संपर्क में है, कि हम लोग गुरु महाराज को कृष्ण के बारे में चेतना दिलाएंगे, ये तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो ये सोच के हमारा बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ गुरु महाराज के साथ कृष्ण है, और वास्तव में प्रभुपाद उनके साथ में हमेशा, प्रभुपाद का कीर्तन चल रहा था, बंगाली भगवद्गीता उनके वक्षस्थल पर रखी थी, उसके बाद गुरु महाराज के पास में उनका भागवतम एकादश स्कंद रखा था, और गुरु पूर्णिमा के बहुत ही पावन दिन के दिन गुरु महाराज ने भगवतधाम प्रस्थान किया, जो सनातन गोस्वामी पाद का तिरोभाव दिवस है। और हमको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने सनातन गोस्वामी का जो जीवंत उदाहरण इस्कॉन में प्रस्तुत किया, क्योंकि हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने लिखा ग्रंथ वैष्णव एटिकेट सिखाने के लिए, गुरु महाराज जी पहले व्यक्ति जिन्होंने इस्कॉन में वैष्णव एटिकेट सेमिनार लिया, और जीवीसी ने उनको कल्चरल मिनिस्टर और वैष्णव एटिकेट का मिनिस्टर इस्कॉन के लिए बनाया, कि पूरा इस्कॉन सीखेगा कि गुरु महाराज किस तरह वैष्णव एटिकेट सिखाते हैं। उसके बाद सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत ग्रंथ लिखा, तो गुरु महाराज जी व्यक्ति जो बृहद भागवतामृत ट्रांसलेशन होने के पहले संस्कृत से पाठ करके 1 महीना वृंदावन धाम में 1987 में गुरु महाराज ने 1 महीना उसके ऊपर प्रवचन करके पूरे इस्कॉन को बृहद भागवत अमृत के साथ इंट्रोड्यूस कराया। सनातन गोस्वामी के पर्सनल विग्रह श्री राधा मदन मोहन, गुरु महाराज ने उज्जैन पहला मंदिर जब उद्बोधन किया श्री श्री राधा मदन मोहन जी की स्थापना की। उसके बाद ब्रजमंडल में सनातन गोस्वामी को सभी लोग अपना गुरु मानते हैं, ब्रजमंडल में हर व्यक्ति को सनातन गोस्वामी पास में जाके उनको पूछते थे तुम्हारा
घर कैसा चल रहा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, वो ठीक एग्जाम्पल गुरुमाज हम लोग को, तुम्हारा सवरा के मन अच्छो सब, इस तरह गुरुमा इतना प्रेम से हमें सब के बारे में पूछते थे। हम लोग सोचते थे हमारे गुरु ने हमारे पिता है। और गुरु महाराज सनातन गोस्वामी जिस तरह टोटल 43 ईयर्स 43 साल वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने वास किया और ब्रजवासियों को सेवा किया, उसी तरह गुरु महाराज एग्जैक्ट 43 ईयर्स इस्कॉन में गुरु महाराज ने सेवा की और प्रभुपाद के मिशन के लिए पूरे पृथ्वी में प्रचार किया। तो इस तरह गुरु महाराज का जो योगदान एक अकस्मात नहीं है कि गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ प्रभुपाद जिस दिन अमेरिका में आए थे प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल, उसके बाद गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ गुरु पूर्णिमा के दिन, और गुरु महाराज का जो समाधि हुआ वो इस्कॉन का जिस दिन प्रभुपाद ने स्थापना की थी 13 जुलाई, 13 जुलाई के दिन गुरु महाराज का समाधि हुआ। तो ये सब कोई अकस्मात चीज नहीं है, ये गुरु महाराज को भगवान कृष्णा जिस तरह सम्मान एक शुद्ध वैष्णव को मिलना चाहिए उस तरह गुरु महाराज को मिला। और कौन सोच सकता था कि कोरोना वायरस के इस वातावरण में जहाँ सभी लोग इतना ज्यादा दुखी हैं, इतना ज्यादा सब डोमेस्टिक ट्रेवल इंटरनेशनल ट्रेवल सब रिस्ट्रिक्टेड है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे गुरु महाराज ऑरलैंडो से मायापुर आके हम गुरु महाराज दर्शन कर पाएंगे और प्रॉपर वैष्णव पद्धति के हिसाब से उनको समाधि हो पाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सब अरेंजमेंट कर दिया जो गुरु महाराज ऑरलैंडो से होकर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से होकर दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से होके मायापुर आकर के गुरु महाराज को यथा योग्य जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था मायापुर धाम में, जहाँ गुरु महाराज ने योगदान किया इस्कॉन में, प्रभुपाद की सेवा शुरू की सेक्रेटरी के रूप में, मायापुर धाम में गुरु महाराज को अपने गुरु भाइयों के साथ में प्रभुपाद के पुष्प समाधि के साइड मुख कर वहां पद्मासन में बैठकर पूर्ण सम्मान के साथ समाधि भगवान कृष्ण ने उनको दिया। तो इस तरह गुरुदेव का हम लोग ने सानिध्य प्राप्त किया है, उनकी शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त किए, हम लोग को बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। और अब वो गुरु महाराज का जो हमारे लिए निर्देश है, जिस तरह उन्होंने हमको शिक्षा दी है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, गुरु महाराज की ख्याति और ज्यादा ये संसार में फैल जाएगा। हरे कृष्ण। तो मैं जो कुछ बोला मैं आप लोग की सेवा में बोला है, आप कुछ भी मैं अपराध किया आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पुत्र समान हूँ, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं गुरु महाराज का सेवा आगे जिस तरह गुरु महाराज चाहते थे उस तरह कर पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बहुत अच्छा तरीके से गुरु महाराज से जो आपको संग हुआ तो बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट आप बताया लोग, तो कुछ कोई आपने हाथ उठाए तो कुछ गणेश पाल बोल के प्रश्न है, कुछ गणेश पाल प्रभु आपने अनम्यूट करूँ अपना कोई प्रश्न थकले बोलते पानी गणेश पाल को जो हाथ खुले से मुझे लग रहा है कमलापति प्रभु कुछ आदेश देना चाहते हैं। कमलापति प्रभु को अनम्यूट कर दीजिए। कमलापति को बोल अनम्यूट करूँ कमलापति को बोल। প্রভুজি এসে আচ্ছা বলা আমার এক প্রশ্ন জানকারী হ্যাঁ যে গুরু মহারাজ জানিকে পহলে একবার জুম সে ক্লাস দিয়া ও জাদা আদমি নেই থে वो जूम में क्लास मैं पा सकता हूँ किसने किसने को वो। हाँ प्रभु जी, गुरुमत ने भक्ति तीर्थ महाराज के शिष्य लोगों को एक क्लास दी थी और उसका टॉपिक था गुरु गुरु को कैसे सेवा करना चाहिए गुरु के तिरुभाव के बाद, ये गुरु महाराज का लास्ट क्लास, तो उसका लिंक तो क्लास थोड़ा मैं बोलना बोलना चाहिए थोड़ा बोलना चाहिए मैं आप प्रभु आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे आपके सामने बोलने का खास नहीं आ रहा है। नहीं 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 ये हमारे बहुत बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, बोलिए प्रभु जी।
संक्षेप में गुरुमाई ने उधर बताया कि किस तरह आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार में क्या फर्क होता है। बोले भौतिक संसार में जो रिलेशन है वो बॉडी के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार का जो रिलेशन है वो आत्मा का रिलेशन है। क्योंकि आत्मा का रिलेशन है, आत्मा हमेशा अविनाशी है, तो सदगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और गुरु का सेवा कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु चले गए और मैं कैसे सेवा करूंगा। वास्तव में गुरु होते हैं परमात्मा प्रकाश। और गुरुमाज ने एक बहुत सुंदर बात बोली जो मैं बहुत बार सुना, लेकिन ये अभी उसका साक्षात्कार हो रहा है। गुरुमाज बोले, जब योगी ध्यानी अपनी तपस्या में परिपूर्ण हो जाते हैं तो भगवान को चतुर्भुज रूप में देखते हैं हृदय में, लेकिन भक्त जब अपनी भक्ति में परिपूर्ण हो जाता है तो हृदय में गुरुदेव का दर्शन करता है। इस तरह गुरुमाई ने बोला, इस तरह बोला नहीं भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, बोले वो गुरुदेव का दर्शन अपने हृदय में करता है। तो हम लोग को और प्रयास करना चाहिए, हम लोग जितना भक्ति कर रहे हैं और दृढ़ता से करेंगे जो गुरुमाज को दोबारा सानिध्य हम लोग प्राप्त। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर लगा। तो हमारा श्याम सुंदर आनंद प्रभु ने हाथ उठाया, वो अपने अनम्यूट कर बोलते पाए। श्याम सुंदर आनंद प्रभु बोलो। আমার আওয়াজ তো যাচ্ছে প্রভু? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ, প্রণাম কৃষ্ণ কিশোর প্রভু। আপনার দর্শন তো পেয়েছি আমি, আপনি যখন গুরু মহারাজের সেমিনারে গিয়েছিলাম তাকে দেখেছি, এবং মহারাজ আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু মনে বলেছেন, আপনি গুরু মহারাজ কত কিছু করছেন। তো আমি একটা জিনিস, যে যখন গুরু মহারাজের শেষ মুহূর্ত ছিল আপনি তখন ইয়েতে ছিলেন, আমেরিকাতে ছিলেন? না, রোমে উজ্জয়িনী থা। আচ্ছা, আমেরিকা। তো আপনি সব জানতেন এবং আপনি বলেছিলেন যেটা, তো আমি গুরু মহারাজকে আমি ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু গুরু মহারাজ সেবা করতে পারিনি যতটুকু আপনি করেছেন। কিভাবে সেবা করব? আপনি যদিও আপনি বারবার বলছেন আমি আপনাদের পুত্র স্বরূপ, তো শিক্ষা নিতে পুত্র স্বরূপের দরকার পড়ে, সেখানে যে কোনো বয়স থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, সেই বিষয়ে আলোকপাত করলে একটু ভালো হবে। मैं कल एक भक्त से सुना, वही रिपीट करूंगा। वो भक्त ने बहुत सुंदर एक बात बोली, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज हमारे हृदय में हैं, यदि हम उनको प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु महाराज आप इस तरह कुछ व्यवस्था कीजिए कि मैं आपके साथ और स्ट्रांगली और जोर से मैं आपके साथ दोबारा से युक्त हो सकूं, तो गुरु महाराज इस तरह कोई वैष्णव को हमारे जीवन में भेज देंगे जिनके माध्यम से हम गुरु महाराज को और तीव्रता से सेवा कर पाए। क्योंकि गुरु महाराज एक शुद्ध भक्त है, कल्प तरु के समान है, सारी इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है, तो गुरु महाराज हमारी ये इच्छा, उनको सेवा करने की इच्छा क्यों पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग को पूरे आंतरिक भाव से गुरु महाराज को प्रार्थना करना चाहिए, गुरु महाराज आप इस तरह कुछ व्यवस्था कीजिए कि हम आपको और ज्यादा तीव्रता से सेवा कर पाए। तो गुरु महाराज उस तरह वैष्णव हमारे जीवन में जरूर भेज दें। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। कल्याण मूर्ति प्रभु हाथ उठिएछेन। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, सुनाई दे रहा प्रभु। प्रभु जी आप, आपका क्लास सुन के बहुत सोलस मिला प्रभु, एवन सनातन गोस्वामी पाद के साथ जैसे आपने उनका पूरा ये मैच किया, ये बहुत ही मतलब आभारी हूँ, ऐसा मैंने सुनकर मैं बहुत गर्व फील हुआ प्रभु। प्रभु एक प्रश्न था, जैसे गुरु महाराज हमें ज्यादा मिला नहीं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन मिला टेलीफोन से या डायरेक्ट बात करते हुए, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन हमें मिला है प्रभु, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि अभी हमें उतना ऐसा एंड्योरेंस ऐसा हालत मतलब पता नहीं, बहुत डिस्करेजिंग लगता है कि अभी वो वाणी भी ठीक से फॉलो कर पाऊँ या नहीं। तो
कृपया करके कुछ उपाय बताइए ताकि हम लोग ये गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शन है वो पालन कर सकते हैं प्रभु जी। कुछ पता नहीं तो काफी डिस्करेज लगता है प्रभु जी, डिप्रेस्ड लगता है। से एक चीज सुन रहा था, भक्ति प्रेम महाराज एक बात बोल रहे थे कि केवल मूर्ख ही कोई व्यक्ति होगा जिनको दुख नहीं होगा गुरु महाराज जाने का। इस तरह बोलना कि ना गुरु महाराज को हम बानी सेवा कर लेंगे, हमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह जो बोलेगा मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई भी व्यक्ति है जिनको कष्ट नहीं, और ये स्वाभाविक भी है। तो गुरु महाराज का जो प्रभुपाद के प्रति प्रेम है या प्रभुपाद का जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रति प्रेम है, वो तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने विराष्टक लिखा, इतना विषाद में प्रभुपाद चले गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वियोग में। इसी तरह प्रभुपाद के बाद जाने के बाद गुरु महाराज ने जो करुणा सिंधु ग्रंथ में लिखा है कि वो समाधि में ही रहना चाहते थे तमालकृष्ण महाराज उनको, तो उस तरह सदगुरु का वियोग हम कितना भी फिलोसफी सुनेंगे, कितना भी आदमी हम करेंगे, लेकिन इस तरह सदगुरु का वियोग किसको नहीं होगा, तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गुरु महाराज ने एक खुद ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी जो मैं इस समय पे याद करता हूँ बार बार। एक बार एक डिवोटी मायापुर में गुरु महाराज को मिलने के लिए आई, वो माता जी गुरु महाराज को बोलती है कि मैं तमालकृष्ण महाराज को बहुत मिस करती हूँ, तमालकृष्ण महाराज को इतना मिस करती हूँ, मैं रात में रोता हूँ, रोती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, इस तरह गुरु महाराज को बताया। तो गुरु महाराज उनको बहुत कुछ समझा रहे थे, वो नहीं समझ पाए। फिर गुरु महाराज उनको आखिरी में बोले कि आप क्या सोच सकते हो कि जब प्रभुपाद हमको छोड़ के गए थे हमारे ऊपर क्या, हमें कितना कष्ट हुआ था, और आज तक भी हम वो कष्ट को लेके चलते हैं एक बात को याद करके। गुरु महाराज बोले जब बिल मंगल ठाकुर वृंदावन में थे तो कृष्ण उनको हाथ पकड़ के सब जगह घुमाते थे क्योंकि वो देख नहीं पाते। तो एक दिन बिल मंगल ठाकुर समझ गए कि ये कृष्ण खुद है, तो बिल मंगल ठाकुर उनको बोलने लगे कि तुम इतने दिन से मेरे साथ थे, मैं तुमको पहचान नहीं पाया। तो कृष्ण उनका हाथ छुड़ा करके और भागने लगे। तो बिल मंगल ठाकुर बोलते हैं तुम अपना हाथ छुड़ाकर तो भाग जाओगे, लेकिन जो मैंने अपने हृदय में तुमको क्लॉक करके रखा है वहां से कैसे भागोगे। ये गुरु महाराज ने उनको बोला, वो माता जी को, और बताया कि कैसे हो सकता है प्रभुपाद या तमालकृष्ण महाराज या हमारे संदर्भ में गुरु महाराज, हो सकता है कि हमारे प्राकृत देखने के सामने से वो अप्रकट हो गए, लेकिन हमारे हृदय में जो गुरु महाराज ने प्रेम दिया है हमको, जो इतना उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है या प्रेम दिया है या पिता जैसा उन्होंने एक संबंध हमारे साथ बनाया है, वो कैसे लेके जा सकते हैं, वो तो कोई भी नहीं ले जा सकता। तो वही हमारी धरोहर है और उसको याद करके ही हमको अभी आगे जीना है कि गुरु महाराज हमारे जीवन में और ज्यादा प्रोमिनेंस, ही क्रिएट्स मोर प्रोमिनेंस इन अवर लाइफ नाउ, सो दैट शुड बी अवर गोल। अमित विक्रम प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ बोला, आप क्षमा कीजिए आप सीनियर वैष्णव के सामने इतना बोलने के लिए, मेरा अधिकार से ज्यादा मैं बोला हूँ, आप सभी मुझे माफ कीजिए। और एक प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन पे, इला देवी माता जी अनम्यूट, इला देवी माता जी अनम्यूट करिए। हाँ बोलो माता जी। আপনার কথা জোরে আসছে না, সাউন্ড আসছে না, আমাদের জোরে আওয়াজ আসছে না আমাদের। হরে কৃষ্ণ বাবু। হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে, বলুন। আমার একটা প্রশ্ন আছে, যে
गुरु महाराज जब थे यहाँ पे इस जगत में, तब तो गुरु महाराज के इतने डियर बन पाए, अभी गुरु महाराज हमारे बीच नहीं है, अभी क्या हम गुरु महाराज के लिए कुछ भी करके या किसी भी उपाय से उनके डियर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, जिस तरह हम अलग अलग सीनियर डिवोटी हमको गाइड किए, कल भक्ति वैभव महाराज ने प्रवचन दिया, निरंजन महाराज ने एक दिन प्रवचन दिया, अलग अलग प्रवचन, वो लोग प्रभुपाद से कभी मिले भी नहीं, चिट्ठी के माध्यम से उनका दीक्षा हुआ और या किसी गुरु भाई ने उनको नाम दिया, माला दिया, लेकिन वो चीज से उनका प्रभुपाद के प्रति प्रेम, उनका प्रभुपाद के प्रति सेवा कभी कम नहीं। आज जितना हमारा इस्कॉन का सीनियर सन्यासी है, राधानाथ महाराज, चंद्रमौली महाराज, बीबी गोविंद महाराज, बहुत जो सीनियर सीनियर सन्यासी है, वो लोग प्रभुपाद के ज्यादा निकट में नहीं थे, लेकिन वो लोग के प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम था वो उन्होंने दिखाया प्रभुपाद के निर्देश को पालन करने के माध्यम से। तो इस तरह और दूसरा उदाहरण भी है, जो प्रभुपाद के बहुत निकट थे लेकिन बाद में ज्यादा टाइम इस्कॉन में नहीं रह पाए, उस तरह भी संभावना है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है, गुरु माया ने हमको शिक्षा दी है कि हम हमेशा इस्कॉन में रहें, प्रभुपाद की सेवा करें, और जो गुरु माया बोलते थे बिकम ए वेरी गुड डिवोटी, तो गुड डिवोटी के अंदर सब कुछ आ जाता है, प्रचारक भी आ जाता है, साधन भजन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो उस तरह जब हम करेंगे तो अवश्य गुरु माया का सानिध्य दोबारा हम प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू, आप तो गुरु महाराज के बहुत प्रिय थे, तो थोड़ा सा हमें कृपा आशीर्वाद कीजिएगा कि हम भी गुरु महाराज मैं केवल गुरु महाराज के ऊपर एक बर्डन था हमेशा, तो वो गुरु महाराज के इतने प्रिय कैसे हुए मैं तो जानता नहीं मैं प्रिय हूँ कि नहीं। आप बहुत सौभाग्यवान है, थोड़ा हमें आशीर्वाद कीजिएगा हम भी कुछ गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो और भी क्वेश्चन आप लेंगे क्या? तो मेरा एक और क्लास अटेंड करना है, तो जी प्रश्न है आपसे। हरे कृष्णा राधा भक्ति, सनातनी माता जी बोले उसके बाद में बोलता हूँ। हाँ क्वेश्चन लेंगे प्रभु जी, और सनातनी राधा माता जी के हाथ उठा है। ठीक है माता जी, आपने अनम्यूट करो। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु, আমি বাংলায় বলছি যে প্রভু আমি যখনই জপ করছি, যখনই প্রভুপাদ বই পড়ছি, যে মানে এনি সেবা যখনই করছি, তখনই শুধু একটাই চিন্তা হচ্ছে যে গুরু মহারাজেরই চিন্তা হচ্ছে। তো এটা থেকে আমি কি প্রেরণার চিন্তা করব, কৃষ্ণের চিন্তা করব, না আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আই এম সো পাজল। अच्छा, हम एक इसको इस तरह विचार कर सकते हैं कि यदि कृष्ण लीला में एक भी दानव नहीं आता, एक भी समस्या वृंदावन में नहीं आती, एक भी कोई कठिनाई नहीं आती, तो क्या हम वृंदावन लीला पढ़ते, क्या हम उसका आस्वादन कर पाते? जो कृष्ण ने ब्रजवासियों को समस्या में डाला, वो ब्रजवासियों का प्रेम और ज्यादा कृष्ण के प्रति बढ़ गया। गुरुमाज ने निश्चित हम लोगों को बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में डाल दिया है, जो गुरुमाज हमारे सामने से एकदम से अप्रकट हो गए, हम लोग कोई भी इस तरह कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमें सोचना चाहिए गुरुमाज हमको और ज्यादा भक्ति में गंभीर बनाना चाहते हैं, और ज्यादा हमें गुरुमाज अपने प्रति शरणागत बनाना चाहते। हो सकते गुरुमाज जो हमारे बीच में थे हम उतना नहीं समझ पाए, लेकिन आज मैं बोल सकता हर भक्त का इस तरह फीलिंग है कि मैं गुरुमाज को इतना समझ ही नहीं पाया। आज जो हम इतने सीनियर वैष्णव सुन रहे हैं, हम लोग लग रहा है गुरु महाराज की ख्याति कितना ज्यादा है। तो जिस तरह कृष्ण ने देवकी वसुदेव बहुत उनको कष्ट दिया, लेकिन उससे उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया, तो हमारा भी इसी तरह हमको सोचना है, गुरु महाराज ने हमको इस तरह सिचुएशन में डाला है उनके प्रति और ज्यादा शरणागति बढ़ाने के। और जो गुरु महाराज का विचार इस तरह जप करते टाइम, भगवद्गीता पढ़ते टाइम आ रहा है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ बात और क्या हो सकती? कृष्ण का ध्यान आएगा, गुरु का नहीं आएगा तो गड़बड़ है, लेकिन गुरु का ध्यान आएगा, कृष्ण का नहीं आएगा तो गुरु सब संभाल लेंगे। इसलिए ये ध्यान अच्छा है। तो
तो इसको निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रार्थना है आपसे, थोड़ा बंगाल में समय दीजिए तो बीच में थोड़ा गुरु महाराज के लीलाएं सुनने को मिलेंगी, तो हमको भी लगेगा कि हाँ कुछ गुरु महाराज के टच में है, कि सेवा के माध्यम से पता नहीं कितना टच कर पाएंगे, लेकिन उनके बारे में जितना सुनेंगे। तो आपसे एक प्रार्थना है, आप यदि भी बहुत व्यस्त हैं और दुनिया भर की बहुत सेवाएं आपके पास है वास्तव में, लेकिन जैसा कमलापति प्रभु ने बताया उनको भी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी सुन के बहुत आनंद हो रहा है आप जो इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं बता रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल में समय दें तो हमारे बंगाल के भक्त बहुत कृतार्थ होंगे। पश्चिम बंगाल में समय तो देना ही है, क्योंकि मुझे सीखना है सबसे डिवोटीज से, मैं तो इतना ट्रेंड नहीं हूँ, अभी छोटा हूँ, तो उधर आके सबसे सीखने के लिए मुझे मौका मिलेगा, इसके लिए जरूर आना ही है। तो अमित विक्रम प्रभु, मैं हाय कृष्ण प्रभु, तो जय प्रभु ठाकुर है, क्या प्रश्न है? जय प्रभु, बोलो तो जय प्रभु, बोलो हरे कृष्णा, जय प्रभु, आपनार आवाज आसछे ना? हरे कृष्णा, अबे बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रभु, आप तो गुरु महाराज के साथ थे, तो बंगला में बहुत बार आए हैं, तो हमने सुना है गुरु महाराज का विशाल करके पश्चिम बंगाल के लिए, बांग्लादेश के लिए तो ठीक है, विशाल का हमारा पश्चिम बंगाल के लिए प्रचार करने के लिए उनका बहुत बड़ा योजना था और बहुत कुछ करने भी चाहते थे हमारे पश्चिम बंगाल के लिए, जैसे कोलकाता मंदिर के लिए, जैसे पानीहाटी के लिए। तो गुरु महाराज का साथ जब आवर आते थे तो आपके साथ कभी ना कभी डिस्कस तो होता ही था, जो ठीक है हम पश्चिम बंगाल में क्या क्या करना चाहते हैं, किसे प्रचार करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज का क्या योजना था पश्चिम बंगाल का प्रचार के लिए, क्या उन्होंने प्रोग्राम रखे थे, उसके बारे में आप थोड़ा हम लोगों को संदेश देंगे, क्योंकि आप गुरु महाराज के साथ जरूर आपके साथ बातचीत होता था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। गुरु महाराज तो पश्चिम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे दुनिया में ही बोलते थे। गुरु महाराज बोलते थे जिस तरह नरोत्तम दास ठाकुर ने राजा को भक्त बना करके पूरा एक राज्य को भक्त बना दिया, उसी तरह पश्चिम बंगाल भक्त लोग इतना बढ़ जाएंगे, इतना प्रचार हो जाएगा, जो प्रभुपाद ने अपने गान में लिखा है, वोट लेकर राष्ट्रपति बनेगा, उस तरह गुरु महाराज बोलते थे फर्स्ट होगा पश्चिम बंगाल से, ये इतने भक्त बढ़ जाएंगे, वो लोग अपना नेता बनाएंगे भक्त, और फिर वो नियम बनाएगा, चार नियम पालन करना है, हरिनाम का जप करना है, संकीर्तन करना है, और उस तरह से पश्चिम बंगाल का उदाहरण लेकर के भारत और फिर भारत से लेकर पूरे पृथ्वी पे जो महाप्रभु की वाणी का सार्थकता है, इस तरह शुरू होगा, गुरु महाराज बोलते थे। और मंदिर के लिए गुरु महाराज का था पानीहाटी में एक बहुत सुंदर मंदिर हो, उस तरह गुरु महाराज आप लोगों को दायित्व देके गए हैं। और कलकत्ता में गुरु महाराज के बहुत इच्छा, गुरु महाराज बोलते कलकत्ता में प्रभुपाद का जन्म स्थान है, हमारे लिए मायापुर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कलकत्ता है, इस तरह गुरु महाराज बोलते थे कि हमारे लिए चैतन्य महापुर से ज्यादा इंपॉर्टेंट शिल प्रभुपाद है, तो इसलिए प्रभुपाद का जन्म स्थान और भी जरूरी है। तो गुरु महाराज का बहुत सारा प्लान है, और गुरु महाराज जरूर आप जैसे जो सीनियर भक्त है उनके माध्यम से इसको जरूर पूरा करेंगे। बहुत अच्छा, अभी प्रश्न ये है प्रभु, गुरु महाराज का साथ आप थे, गुरु महाराज का अंतिम इच्छा कोलकाता का आने भी था, आप जानते हैं पानीहाटी के एक बार रहने के लिए गुरु महाराज प्रोग्राम भी बनाए थे, आप भी उसमें शामिल थे, तो मेरा एक आपको चरण निवेदन है, जब आप शामिल थे तो अभी यहाँ आ जाइए, और गुरु आपका नियम ये है
देखिए जब राम सेतु बन रहे थे, बात सुनिए ध्यान से, जब राष्ट्र तो बन रहे थे बहुत बड़ा बड़ा सेवा कर रहे थे, बहुत भक्त नो डाउट, परंतु काठबिड़ाली ने, वो जो क्या बोलता है हमारा जो छोटा प्राणी है, वो थोड़ा सा सेवा किया उसका, गिलेरी गिलेरी है, गिलेरी 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 जो भी हो भाई हम वो नहीं जानते, गिलेरी तो बहुत सेवा करते थे, तो उनका भी थोड़ा सा सेवा अभी भी सारा दुनिया याद करता है। 12 साल 14 साल तक रामचंद्र पूरा जंगल में घुमा है वनवास में, परंतु शौरी का वहां खाने का याद हर आदमी जानता है, शौरी को वहां जाकर रामचंद्र खाए है। ठीक गुरु महाराज की भी अंतिम इच्छा हमारे पानी माटी में था, और इसमें आपको सहयोग तो करना ही पड़ गया, क्योंकि गुरु महाराज का स्पेशल तो कोलकाता है, वेस्ट बंगाल से मायापुर से भी कोलकाता, कोलकाता से भी ज्यादा पानी हटी, पानी हटी नहीं बोलेंगे हमारा बाधा, परंतु सच बात जो है वही बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको तो गुरु महाराज का सेवा के लिए कुछ ना कुछ सहयोग तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा बात नहीं बोल रहा हूँ, हम फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको चरण में तो निवेदन कर सकता हूँ, गुरु महाराज का मन का बात ही बोल रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं, तो ये आप किस तरह से हम आपको आप जैसा निर्देश सुनाया होगा, बोलिए आप जैसा निर्देश करेंगे मैं रेडी हूँ। बस धन्यवाद। तो मैं हमारा प्रेसिडेंट प्रभु श्रीपाद राधापाद प्रभु उनका चरण में निवेदन करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो आपको यहाँ पदार्पण करने के लिए, हम मैं उनका चरण में हूँ, तो मैं गुरु महाराज का शिक्षा है जो मेरा अथॉरिटी है, अथॉरिटी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोल सकता हूँ आप यहाँ आइए, मैं मेरा प्रेसिडेंट को मैं चरण में निवेदन करेंगे आपका चरण यहाँ आ जाए, नहीं मैं बात एकदम प्रैक्टिकल, क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा था 100% कोलकाता गुरु महाराज आपने मुख से बोला ना, कोलकाता मोर नीड पड़ेगी, प्रभुपाद का बात कॉलेज है, आज तक सारा दुनिया में मंदिर बनाया, विश्व में हर जगह में, मुहम्मदन कंट्री से भी मंदिर बन गया हर जगह में, देखिए आज तक कलकत्ता में क्या हुआ है, गुरु महाराज क्यों इतना बड़ा कदम उठाया था, प्रभुपाद का जन्मस्थान है, उनका बात प्लेस है, मायापुर तो कर्मभूमि नो डाउट, परंतु ये तो जन्मभूमि है, यहाँ तो भी कुछ करना है, तो आज हमने सुन रहे थे हमारा मोदी साहब ने भूमि पूजा कर रहे हैं राम मंदिर में, तो मेरा मन में आ रहे थे मोदी साहब ने राम मंदिर का भूमि पूजा कर रहा है, प्रभुपाद का भी इच्छा तो ये है, जो सारा दुनिया में राम का नाम बटाया है, तो उनका भी कुछ करना चाहिए, तो मेरा मन में आ रहे थे, गुरु महाराज लास्ट प्रपोजल भी वही था, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, उस थोड़ा दिन पहले नामहट्टा से मेरा फोन आया, तो वो लोग बहुत बोल रहे एक एक प्रोग्राम 25-25, 30-30 हजार में आ रहे थे, अब था शायद नहीं था कि नहीं, तो इस तरह इतना बड़ा कदम उठाया था, इसमें आपको मेरा भी आइडिया है, जैसे उज्जैनी से यहाँ आपको और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपा करके आप यहाँ आइए, और हमारा राधापत प्रभु को हम निवेदन करेंगे, वो तो हम आपको जरूर चरण में निवेदन करेंगे, बात करके यहाँ आइए, मदद कीजिए, प्रचार में आगे बढ़े, जैसे मैं सुना हूँ हमारा रसो रखी नाम रसो प्रेसिडेंट था पहले रसो देखा प्रचार जन्म रसानंद प्रभु का गुरु महाराज यहाँ प्रचार के लिए थोड़ा बहुत अभी भेजते रहता है, और आप यहाँ आएंगे तो हम लोगों को बहुत स्पेशल, आप दूसरा जगह जाए या ना जाए पानियाटी में ये पहले बांग्ला हम सिखा देंगे, वो मेरा गारंटी है, और प्रचार राधापत प्रभु आपको जरूर सिखाएगा, उसमें आप नो डाउट, ठीक है, तो आप आइए, आपको चरण दर्शन आपको प्रचार का हमारा जरूरत है, इस तरह गाइडेंस ये मेरा निवेदन, धन्यवाद, क्या भाग्य हो सकता है, हाँ प्रभु सिखाऊंगा नहीं प्रचार सीखना चाहता हूँ, प्रभु जी यहाँ पे आएंगे, मेरा एक मौन बोल रहा हूँ, पूरा स्वागत है, स्वागतम, अभी सुनिए प्रभु मेरा सिर्फ एक छोटा बात है आपसे, प्रभु गुरु महाराज जैसे इस्कॉन सोसाइटी में ज्वाइंट हुआ है विदिन 3 मंथ ब्राह्मण दीक्षा हरिनाम हुआ, फिर गुरु महाराज को अपना खुद अपना सेवक बनाया, फिर भारत के लिए वेस्ट बंगाल के लिए उन्होंने अपना सेक्रेटरी बनाए, तो मैं जब आपको देखते थे गुरु महाराज का सेवा में मेरा मन में एक ही प्रश्न आता था कि गुरु महाराज ठीक प्रभुपाद जैसा गुरु महाराज के अंदर कुछ ना कुछ देखा इसलिए तो इतना अपन कर लिया, आप भी हम तो ज्यादा उज्जैन में था नहीं या ज्यादा भक्त को यही पहचानता हूँ, गुरु महाराज का दर्शन करने जाता हूँ आपके साथ हमारा परिचय है, तो जब आपको मैं देखता हूँ तो हर बार मेरा मन में एक ही प्रश्न आते थे गुरु महाराज भक्त होते ही इतना सीनियर भक्त होते आपको क्यों अपना उनका सेक्रेटरी बनाए, वो भी मेरा बार प्रश्न आते थे, तो अभी मेरा प्रश्न का उत्तर मिला है, वेस्ट बंगाल मतलब कलकत्ता में प्रचार ले गुरु महाराज आपका अपना हाथ से बनाया, तो आप जितना जल्दी है आपका चरण यहाँ लेके आइए, दंडवत प्रणाम के चरण में, बोलिए प्रभु दे रहा है ना।
तो प्रभु आप लोग के जो निश्चित बात गुरु महाराज आपको इतना सन्निधि दिया है ना, हम लोग तो बहुत चिन्ह आ रहे आपसे, नो डाउट, परंतु इतना नजदीक कैसे गुरु महाराज आपका अंदर कुछ देखा है तब तो ना। मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ प्रभु, आप उज्जैन में पहले आते थे, वो टाइम भी देते थे, और बचपन से आपके सानिध्य में आप बड़ा हुआ, बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, जितना भी हुआ आपके सानिध्य में हुआ, आगे भी आपको लेके जाना है। अभी आपको आगे ले जाने के लिए मैं हर पर तैयार हूँ, प्रेसिडेंट परमिशन दिया आपका आगे बढ़ाना है, आपने जब वचन दिया है आपको आगे बढ़ाना है तो मैं हम खुद बढ़ा के छड़ेंगे, और हमारा सान्निध्य है तो सान्निध्य हम आपको देते रहेंगे, आप कृपा करके सान्निध्य लेने के लिए जितना जल्दी से जल्दी पानिया के आ जाइए। प्रभु थैंक यू रघुनंदन प्रभु। प्रभु लास्ट क्वेश्चन, जयेश प्रभु मौसमी माता जी प्रभु, जयेश प्रभु हरे कृष्ण, आवाज आ सुन आमिर को हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो मेरा एक ही वो क्वेश्चन आता है मन में, तो गुरु महाराज के लिए इतना सारे वरिष्ठ भक्त ने इतना प्रेयर किया, इतना कुछ किया, तब भी गुरु महाराज चले गए, तो मतलब यही मेरा आता है। और इतना सारे महाराजों की क्लास सुना जो ग्लोरिफिकेशन, तो उन्होंने कोई कोई ने बोला जे ये नया मंदिर जो हो रहा है उसमें कैसे गुरु महाराज नहीं रहेंगे, तो मतलब गुरु महाराज को तो इधर मतलब गुरु महाराज तो रहेंगे, गुरु महाराज तो हमारा हृदय में हर टाइम पे हर समय सब हर टाइम पे रह मतलब रह रहा है, पर गुरु महाराज ये जो मतलब बोपू में नहीं है अभी, तो वो स्वाहा माता जी की उस दिन क्लास सुन रहे थे, उन्होंने भी बोला जी गुरु महाराज ये जो नए मंदिर हो रहा है तो उसमें कैसे गुरु महाराज नहीं रहेंगे, तो ये यही मेरा क्वेश्चन है जो मतलब इतना प्रेयर इतना कुछ करने के बाद भी वो चले गए, तो उनका ही खुद का क्या इच्छा था चले जाने के लिए, जो प्रभुपाद को लेटर लिखा था गुरु महाराज 2012 में, तो गुरु महाराज की इच्छा था कि ये गुरु महाराज और नहीं रहेंगे ऐसे कुछ नहीं, तब क्या ये मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, इतना वरिष्ठ भक्त इतना सब महाराज ने इतना प्रार्थना किया तब भी मतलब इसके बारे में बहुत सोच रहा था एक्चुअली। मैं सोच रहा था अपनी छोटा बुद्धि से कि जिस तरह मैं जब गुरु महाराज के साथ कुछ दिन ट्रेवलिंग की, तो मेरा बहुत लोगों से बहुत डिवोटी से रिलेशन बन गया, तो जैसे मैं जब उज्जैन में रहता था तो उज्जैन के मेरे जो फ्रेंड थे वो बोलते थे हम सब उज्जैन में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन जब गुरुमाज को जाना है तो मुझे उनके साथ जाना है, तो वो लोग बोलते थे हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहो, लेकिन जब गुरुमाज बुलाए तो आपको जाना है, तो इसके लिए मैं चला जाता था। उसी तरह से जब मायापुर में जो रिलेशन बन गया, बाद में बोलते थे आप यहीं रुक जाएंगे, बोला प्रभु जो गुरुमाज जा रहे हैं मुझे तो गुरुमाज के साथ में जाना पड़ेगा, तो मैं उसी विचार से अपने छोटा बुद्धि से सोच रहा हूँ कि जब गुरुमाज को प्रभुपाद ने यदि किधर में बुलाया है, जिस तरह से श्रीमद जयपदा स्वामी गुरुमाज ने बताया है कि प्रभुपाद वॉज कॉलिंग है, जब गुरुमाज को प्रभुपाद ने यदि कहीं पर बुलाया है खुद के पास खुद के सानिध्य में, तो गुरुमाज किसको प्रेफरेंस देंगे, 100% प्रभुपाद को देंगे। और एक बार बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो गुरुमाज के साथ में एक डिवोटी बैठे थे, उन्होंने गुरुमाज से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने गुरुमाज से पूछा कि गुरुमाज जब आप प्रभुपाद के साथ थे और जो आप अभी प्रभुपाद नहीं है, आप प्रभुपाद के वाणी सेवा कर रहे हैं, तो ये दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है। वो बोला आप प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे उस टाइम में जो आप सेवा करते थे, और अभी जो आप प्रभुपाद को सेवा कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। तो गुरुमाज बहुत सीरियस हो गए, गुरुमाज बहुत सीरियसली आंसर दिए, बोले मैं प्रभुपाद का सेक्रेटरी था, मैं प्रभुपाद सेक्रेटरी हूँ और मैं प्रभुपाद का सेक्रेटरी रहूंगा। तो ऐसा नहीं कि गुरुमाज हमारे साथ में है, हम लोग को बहुत अटैचमेंट गुरुमाज से है, लेकिन गुरुमाज के लिए प्रभुपाद फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अगर प्रभुपाद चाहते हैं गुरुमाज को लाए, तो हम सबको गुरुमाज का प्रेम प्रभुपाद के लिए इतना ज्यादा है,
कि वो सबको सेक्रीफाइस करके प्रभुपाद की सेवा करना चाहते, और हम उनके जो शिष्य हैं हमको वो उसमें सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि गुरु महाराज ने जितना हमको शिक्षा दिया है, इतना साल हमको ट्रेनिंग दिया है, इस्कॉन को इतना कुछ दिया है, अभी हमको उस चीज को कैरी ऑन करना है, उसको पालन करना है। और प्रभुपाद जिधर गुरु महाराज को चाहते हैं उधर प्रभुपाद के साथ गुरु महाराज नित्य लीला में हमेशा ही रहेंगे। तो उस तरह मैंने अपने छोटा बुद्धि से इस चीज को सोचा, और सीनियर भक्त तो बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते, और ये तो अपराध, ये त्रुटिपूर्ण हो सकता है, ये मेरा मन का स्पेकुलेशन है। हरीश श्रील प्रभुपाद की जय। समेत बोल थैंक यू वेरी मच गुरु, आप बहुत बढ़िया से गुरु महाराज का महिमा कीर्तन किया, तो हर भक्त चाह रहा है फिर आप जल्दी जल्दी गुरु महाराज को और आपके साथ जो घनिष्ठ लीला हुआ गुरु महाराज के साथ फिर सबको शेयर करें, और सब लोग सुन के भक्ति में और अग्रगति बात कर सकते हैं। तो आज आपका जो अमूल्य समय हम लोगों को दिया, बहुत बढ़िया, हमको आभारी है आपके पुत्र हो, ऐसे आप समय देते रहिए हमको, हम लोगों को सभी को। बंगाल में आइए, जो हमारा सीनियर भक्तगण बोला आपसे, तो हमको भी निवेदन है आपसे कि आप लोग आइए, जैसे गुरु महाराज का साथ आप लोग रहकर इतना सेवा किया, तो सब भक्तों को ऐसे आप गाइड कीजिए, और गुरु महाराज का जो शिक्षा और सबका अंदर वितरण करिए, जैसे लोग भक्ति और अच्छे से कर सके, और गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद का जो सोसाइटी उसके ऊपर और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपको बहुत बहुत हमारा आभार है सबको, जो आप इतना समय देके हम लोगों को गुरु महाराज को लक्ष्मिया, अभी आप बहुत व्यस्त हैं, आपका शेड्यूल फ्री करके हम लोगों को इतना टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो कृष्ण किशोर को लिए हम लोग सभी एक साथ से स्वागत करेंगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, कृष्ण किशोर प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की, स्वामी गौर भक्त की।